लाल कुआं पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एमकेएन संवाददाता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड से पलायन को रोकने की नीति, विजय संकल्प शंखनाद रैली के बाद कांग्रेस की रणनीति समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। लाल कुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने आज से विजय संकल्प रैली के आगाज के साथ बिल्कुल शुरुआत कर दी है चुनाव की, और हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रणनीति के तहत बिल्कुल यहां पर तैयारी की जा रही है। कांग्रेस ने एक परिवर्तन का आह्वान किया है और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता जनार्दन बदलाव लाएगी और 2022 में कांग्रेस को सरकार बनाएगी। सिंधु खत्ता के लोगों से बात करेंगे, उस समय उन्होंने अवसर छोड़ दिया, लोगों ने उनको गलत सिखाया, मगर पालिका ही सॉल्यूशन थी। लेकिन अब सरकार का लेटेस्ट जो डिसीजन है, वो डिसीजन के तहत वन भूमि में अब नगरी क्षेत्र नहीं माना जाए। फिर हमारे साथ मौजूद थे बिल्कुल हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से जो बीजेपी की सरकार है पूरी तरीके से फेल है। मुन्ना अंसारी, एमकेएन न्यूज, लालकुआं।